नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का कृष्णा और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे CAD कहा जाता है। इसे दूसरा नाम से हम लोग पुकारते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक ना। तो इन सब बीमारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का जो क्या कहते हैं हृदय आघात, हार्ट अटैक आ गया। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक से मर गया, ठीक ना। तो ये बीमारी के बारे में हम लोग समझेंगे। हार्ट अटैक पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उनसे पहले इस बीमारी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बीमारी को हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये है दिल। एक्चुअली साइज में इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हमने समझने के लिए इतना बड़ा बनाया हुआ है। और एक्चुअली ये हार्ट जो है, इसका काम होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। ब्लड का वॉल्यूम, पूरा जो ब्लड होता है हम लोगों के शरीर के अंदर, वो 5 to 6 liter, 5 to 6 liter होता है। और इस पूरे ब्लड को पंप करने का जो काम है इन्हीं महाराज का होता है, और इसका नाम है हार्ट, दिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आ गया। ये अगर स्वस्थ है तो समझिए इंसान स्वस्थ होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये हार्ट डिजीज़ का नाम हो जाता है। अब हम समझते हैं कि CAD के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो पहले हमें ये समझना होगा कोरोनरी आर्टरी क्या होता है। तो देखिए, वैसा ब्लड वेसल्स, मतलब वैसा धमनी हिंदी में कहते हैं, जो प्योर ब्लड को बॉडी में पहुंचाता है। तो देखिए, हमारा हार्ट भी एक तरह का ऑर्गन है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, और उसके खुद को भी ब्लड की आवश्यकता होगी। एक्चुअली इस चीज़ को ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे बैंक में जो लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पैसा देते हैं, हमेशा पैसा पे ही, मतलब उसके हाथ में हमेशा पैसा ही होता है पूरा ड्यूटी आवर में, बट उसको भी तो कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरे बॉडी को तो ब्लड पंप करके पहुंचा देता है, बट इसके मसल्स को भी ब्लड चाहिए होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ हमें आर्टरीज़ का जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो होता है, जो हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड, उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो काफ़ी पतला पतला होता है और पूरा फाइन होता है, काफ़ी पतला पतला, ये पूरे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। इसी के कारण हार्ट क्या होता है, धड़कता है। वो गाना था ना, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं इसी पर तेरा हो गया। अब जो भी है, आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये जो है पूरा कोरोनरी आर्टरी कहलाएगा, और ये बॉडी में ब्लड को पंप करेगा। तो ये कोरोनरी आर्टरी है, और हम यहाँ पर बीमारी के बारे में समझते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी में जो बीमारी हो जाएगी उसे कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में वास्तविकता में वो कौन सा प्रॉब्लम हुआ, वो कौन सा क्या हो जाती है जिसके कारण हम इसे CAD कहते हैं, तो देखते हैं कि अब इसका मेन रीज़न क्या है, बीमारी होने का मेन कारण क्या है। इस बीमारी का दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। चलिए, एक्चुअली हम होता क्या है वो चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर इतना पार्ट को काट के हम निकालें और उसको मैग्नीफाई करके समझने की कोशिश करें, तो देखिए ये पूरा पाइप होगा, और इसके अंदर नॉर्मली कंडीशन में कुछ नहीं होता है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन ऐसा रहेगा, पूरा अच्छा से ब्लड आता है और ब्लड जाता है, पूरा फ्रेश मस्ती में ब्लड पाइप पास हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश इसके अंदर कुछ प्लाक जम जाता है, ये वाला चीज़, ठीक ना। हो सकता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट हो, कैल्शियम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, फाइब्रस टिश्यू हो, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे आके डिपोजिशन हो जाता है, तो यहाँ पे जम जाता है, जिससे क्या हुआ, इस आर्टरी के पाइप में है ना कुछ आके जमा हो गया है, जिस कारण इसका जो अंदर वाला ल्यूमेन है जिसके थ्रू वो पास होगा, वो काफ़ी छोटा पड़ जाता है, और धीरे धीरे इसका डिपोजिशन बढ़ते रहता है। और ध्यान रखिएगा, अगर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड को इधर से इधर पास करने में दिक्कत होगी। अब पास करने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग कभी इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, कि बगीचे में पानी पटा रहे हैं मोटर के पाइप से, और क्या किया कि छोटा भाई सामने दिखा, तो क्या करते हैं, पाइप को ऐसे करके ज़ोर से दबाते हैं और छोटे भाई को पानी पड़ा देते हैं। हमने तो बहुत सारा ऐसा किया हुआ है, पता नहीं आपने किया कि नहीं। हाँ, तो एक्चुअली इसको जैसे ही दबाएंगे तो इस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे जाम हो रहा है। अब जाम होने के कारण ब्लड का प्रेशर तो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ये रप्चर कर जाता है, और रप्चर करने के बाद इसमें जाके फंस जाता है इधर उधर,
है ना, वो तो आगे बढ़ गया, बट जैसे ही ये रप्चर करेगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यहाँ पे खून जम जाएगा, क्योंकि देखिए आर्टरी जो है ये रप्चर कर गया। अब जैसे ही आर्टरी रप्चर करेगा यहाँ से ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अंदर में क्या हो जाता है, ब्लड कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है, जिससे पूरा ब्लॉक हो जाता है ये। अब जैसे ये ब्लॉक हो गया तो ये चीज़ हम समझ रहे थे यहाँ के बारे में, अब यहाँ से आके ब्लड लो जा ही नहीं रहा है, अब क्या होगा? अब तो हुआ जो होना था, काफ़ी भयानक तरीके से दर्द उठेगा सीने में, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए जब इसको ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ये पूरा एरिया के अंदर जहाँ तक ये सप्लाई कर रहा था ब्लड को, ब्लड नहीं पहुँचेगा। अब ब्लड नहीं पहुँचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचा इस एरिया में, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पर जो भी सेल है बेचारा को घुटन होगा, घुटन होते होते ये सेल मर जाएगा क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रहा है। और ये पूरा एरिया अगर डेड कर जाएगा तो बताओ, आप ही बताओ, क्या ये दिल धड़केगा? नहीं धड़केगा। उस कंडीशन में ये एरिया धड़कना बंद कर दिया, ब्लड सप्लाई हो गया बंद, और ब्लड सप्लाई जैसे ही बंद हुआ तो उस कंडीशन में काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, और वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, और फाइनली दिल की धड़कन धीरे धीरे क्या होती है, रुक जाती है। और ये इसी के कारण क्या हो जाता है, पूरा हार्ट सेल डेड हो जाता है यहाँ इस एरिया का, तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, दिल धड़कना बंद कर देता है, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक कहा जाता है उसे, और वो व्यक्ति इस ब्लू प्लैनेट को छोड़ के चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है उसके बारे में तो नहीं पता, बट ये कहलाता है हार्ट अटैक, यही है हार्ट अटैक, हृदय आघात। हार्ट अटैक हो गया और वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ होता है, आपको एक और चीज़ के बारे में बता दी, ये तो था CAD के बारे में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो बना था ना जहाँ पर ये जाम करने के लिए इन सब चीज़ों से मिलके, इसे कहते हैं हम लोग प्लाक। प्लाक जैसी रप्चर करेगा तो ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, खून जमेगा यहाँ पे, तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है रास्ता, आगे खून जा नहीं पाता, जिसकी वजह से ये जितना दूर को सप्लाई कर रहा था वो सारा एरिया का सेल डेड हो गया। सारा एरिया का सेल डेड हो जाएगा तो हार्ट बीट करना बंद कर देगा, वो धड़कना बंद कर देगा। आपको एक चीज़ बता दें, अब आगे का जो डिजीज़ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है बीमारी जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, सुना है आप लोगों ने एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना का मतलब हुआ ब्लड वेसल्स, है ना, हार्ट की बात करेगा वो। पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट, छाती। एंजाइना मतलब समझ लीजिए दर्द, पेन ब्लड वेसल्स के अंदर। अब समझिए छाती में दर्द, है ना, कभी कभी क्या होता है, काफ़ी तेज़ अचानक से छाती में दर्द होने लगा। वास्तविकता में होता क्या है कि ब्लड में, जब हार्ट में ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाता है, हार्ट ब्लड सप्लाई वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड वेसल्स के नैरो हो जाने के कारण, सकरा हो जाने के कारण, पतला हो जाने के कारण ऐसा होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होगा तो जितना ऑक्सीजन ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, हमारे हार्ट को, हमारे ऑर्गेन्स को, उतना अगर नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, छाती में काफ़ी जोरों का दर्द आता है और वो व्यक्ति बेहोश होकर लेट जाता है, वो गिर जाता है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को प्रॉपरली दवाई देने की आवश्यकता होती है, डॉक्टर मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है। अगर छोड़ दिया जाए फिर से ठीक भी हो जाता है 2-4 मिनट के अंदर। बात वो है दर्द, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हुआ कभी कभी अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण छाती में दर्द हो जाता है। अगला आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि कभी कभी सडनली अचानक से दिल धड़कना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति को उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे ही दिल धड़कना बंद हुआ जिसे हम लोग कहेंगे हार्ट अटैक। चलिए आगे बात करते हैं कि इन सब बीमारियों से हमें बचना है तो वास्तविकता में हमें क्या करना होगा। ये सब ब्लड सप्लाई की कमी के कारण हुआ था, है ना। अब वास्तविकता में हमें इन सब बीमारियों से बचना है तो वो कौन सा प्रिकॉशन ले ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर।
कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना है मैक्सिमम। अगर ये ऐसा कंडीशन हो चुका है, छाती में दर्द हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा जैसे मीट मांस होता है, मछली होता है, और मटन होता है, चिकन होता है। मटन का मतलब बकरे का मांस, चिकन का मतलब वो मुर्गे का मांस, और बीफ जानते हैं आप लोग, बीफ का मतलब होता है सुअर का मांस। तो ये सब चीज़ें मांस तो कंज्यूम ही नहीं करना है, अंडा भी नहीं खाना है, तेल भी नहीं खाना है, तेल काफ़ी कम जितना हो सके, तला भुना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, कम से कम खाना चाहिए। तो ये चीज़ होता है, मेन रीज़न होता है उसका कोलेस्ट्रॉल कम किया जाए, मिनिमम यूज ऑफ ऑयल। अगला ग्रीन वेजिटेबल लीव्स, पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी मैक्सिमम जितना हो सकता है उसका यूज़ करना चाहिए। नट्स भी उस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए, जैसे बादाम हो गया, है ना, वो जो वो क्या कहते हैं उसको, चिनिया बादाम होता है। अगला फ्रूट्स है, फ्रूट्स मैक्सिमम जितना हो सके खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर फाइबर इंटेक बढ़ सके। तो ये सब छोटी छोटी डाइट है, काफ़ी वो डाइट नहीं लेना है जो क्या करें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा दे। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम नॉन वेज को प्रेफर ना करें, एनिमल प्रोडक्ट को ना लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूध भी यूज़ नहीं करें, मलाई उससे निकाल दे बाहर। तो उस कंडीशन में हम लोग इन सब को रोकथाम कर सकते हैं, कम्प्लीटली 100% ठीक होने वाला ये बीमारी सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हार्ट डिजीज़ के कारण अगर ये ज़्यादा दिन तक रह गया हार्ट डिजीज़, तो हमारे दूसरे ऑर्गन को भी ये ख़राब करने लगता है, जैसे किडनी ख़राब हो जाता है दोनों, प्लस में वो हमारे आई पे असर करेगा, आँखों पे असर करेगा, तीसरा हमारे ब्रेन पे असर करेगा, लंग्स पे असर करेगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है उस पेशेंट में जिसको हार्ट की डिजीज़ होती है, जिसको डायबिटीज़ होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही जानकारी, हम आपसे विदा लेते हैं, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के दौरान। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा, जिसके लिए आप सभी को पूरे दिल से धन्यवाद।